अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नए व्लॉग में खुश आमदीद। ये देखिए आसिम भाई अब नहा के उठे हैं। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है। जैसे कि आपको पता है मुझे मैच में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैच के दौरान खाई गई चीजें और लाई गई चीजों में इंटरेस्ट होता है। तो आज भी हम पार्टी करेंगे काफी चीजों की इंशाल्लाह, साथ साथ आपको खाना पीना ही मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि आसिम भाई ने बताया कि आप टीवी नहीं दिखा सकते, आपको नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। तो आपको साथ साथ अपडेट देते रहेंगे, हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियोस पाकिस्तान से बाहर भी मुल्कों में देखी जाए और हाँ एक्सपर्ट एक्सप्रेशंस। तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े अल्लाह करें। तो कोशिश जारी है, तो देखते रहेगा। यह जी नाजरीन, मैच से पहले ही हमें चैनल्स नहीं मिल रहे, अब दोबारा से ट्यून करना पड़ रहा है। एक आउट हो चुका है, पाकिस्तान का हुआ आउट है। पाकिस्तान ने किया, तो पाकिस्तान ने किया है, मतलब श्रीलंका बैटिंग कर रहा है। चलिए देखते हैं कब तक हमारा चैनल ट्यून हो जाता है। ये देखिए नाजरीन, पराठा पार्टी चल रही है इससे, और वो भी मूली वाला पराठा। और पता नहीं पाकिस्तान आ गया। चलो ये देखिए भविष्यवाणी हो गई है नाजरीन। ओ क्या छोटे होते बच गए। अफरीदी भाई बॉलिंग कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश की है ना, छक्का हो गया। ये देखिए मैं कुछ नहीं खाया हुआ मैंने, ये बंदा खाई जा रहा था, कला कला मूली का पराठा खा रहा। मैं कुछ भी नहीं खाया, मैं नाजरीन आजकल डाइटिंग पे हूँ, मैं जरा शादी के लिए स्लिम एंड स्मार्ट हो रहा हूँ, अपनी नहीं इसकी, तो मैं आजकल डाइटिंग कर रहा हूँ। नाजरीन ये जो बार बार बोलता है धर्मशाला, ये क्या है मुझे नहीं पता इस चीज़ का, इसको कोई जगह पसंद आई भी है इसने, उसके बाद उधर जाना है क्या है? और जब भी अभी तक आसिम भाई का व्लॉग नहीं शुरू हुआ, चेक करो, बड़े बड़े कुछ सुस्ती यूट्यूबर है, जायजा ले रहा है, ये पेट में जायजा ले रहा था पराठे का। अस्सलाम वालेकुम नाजी, अस्सलाम वालेकुम। 34 for 1 क्या 34 for 1 है ना, 1 क्या ये गई बॉल उसकी टांगों में, ये मरी उसने शर्ट अगले ने पकड़ ली, मतलब क्या पागलों की तरह, मतलब एक गेंद के पीछे पागल हुई है वहाँ। मैं तो सबसे लेट के ना, ये गई उसकी शॉट चढ़ो में, मुझे इतनी सी गेंद के पीछे पागल हुई थी अब, आप देखने वाले भी पागल हुए हैं, खेलने वाले भी चारे पागल हुए हैं। तो क्या गेम है, उनको नहीं समझ आती। 35 for 1 है, शाहिद अफरीदी की बॉल पे उनके सबसे अच्छे प्लेयर का जो सुगंध हमें मार रहा है इस वक्त, खुशाल मेंडिस का कैच इमामुल हक ने छोड़ दिया, इस बंदे को निकालना चाहिए था। और पाकिस्तान ने फखर जमान को टीम से बाहर कर दिया, इसीलिए भी मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आज हम हारे। एक इन्होंने फखर जमान को बाहर किया, दूसरा जो ये चेज कर रहे हैं, और तीसरा इनकी बॉडी लैंग्वेज, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना आज, वो जीतने वाली लग ही नहीं रही। आप क्या कहते हैं कौन जीतेगा, पेश भी करें। मुझे भी चांसेस लग रहे हैं श्रीलंका के जीत रहे हैं, जो इस वक्त जिनकी हालत चल रही है। अच्छा इंडिया के कुछ 3-4 भाई है, उनसे माजरत करो, उनसे माजरत करना चाहूंगा, मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, एक माशाल्लाह इसकी जोड़ के माफी मांग इंडिया वाला से, बहुत बहुत माजरत, माजरत नहीं माफ कर दो मुझे, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के आगे जितने भी मैच होंगे इंक्लूडिंग आज वाले से आगे वर्ल्ड कप का, वो मैं आपके लिए सारे कवर करूंगा इंशाल्लाह, हम उसमें व्लॉग्स बनाएंगे। सो 7 overs 37 for 1 श्रीलंका इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, और खुशाल मेंडिस उनका सबसे अच्छा प्लेयर है। सुन लो मैं बोलने वाला नहीं दोबारा, और एक बात और मुझे जरा ये बताएं, फखर जमान मैच विनर इकलौता इतना बड़ा पार्टनर की टीम में है, उसको आपने बाहर कर दिया, आज जीत सकते हो उसके बगैर आप, नहीं
है कोई जवाब? दो जवाब मुझे, दो जवाब मुझे। तुम लोग यार उसके नाम ही ले लेते जितिन सिंह, याद रखी सुन, याद करा दे मुझे। अच्छा जितिन भाई है, एक वाइट रोग है। किसको रोग है? निशान सिंह, बिलाल सिंह ही है दोनों। नहीं तुम कह रहे हो शॉट, तुम कह रहे हो रोग है एक छक्का। जितिन बिलाल निशान तू याद रख, ये छक्के ही पढ़ने हैं हमें। बहुत अच्छे मतलब बार बार कमेंट्स करते हैं, बड़ा प्यार निशावर पैग है चौका। आई लव यू टू गाइस, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। पहले छक्का पड़ा चौका, मैं अब इंशाल्लाह कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं मिस नहीं करूंगा पाकिस्तान के मैच, वर्ल्ड कप में कम से कम, और इंपॉर्टेंट मैच है। एक छक्का मार दिया और एक चौका मार दिया, इस श्रीलंका इज ऑल ओवर पाकिस्तान। यही होना, उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं लग रही पाकिस्तान की यार, आपको लग रही? नहीं, आपको क्या पता, बॉडी का ही पता होगा आपको लैंग्वेज का क्या? देखो मेरी बॉडी लैंग्वेज इस बार देखो मैच का शौक नहीं है, ये मेरे साथ बैठ के देख रहा है, अपना भी ब्लॉग बना रहा है। बल्कि हम लोग अच्छा नाज़रीन दानियाल लतीफ को मैं टैग कर दूंगा, ये आप सब आउट हुआ भी है, मैंने नाम लिया और मेरी ऑडियंस है दानियाल लतीफ को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, इनके 775 सब्सक्राइबर्स है, तो कोई 20-25 लोग करेंगे तो 800 हो जाएगा, हजार करा दे ताकि वो भी भाई कुछ मोटिवेशन करे, मैं भी कोई काम कर लूं मोनेटाइजेशन की तरफ है। हाँ हो, तो मेरे को भी कोई प्रमोट कर, हम लेट ही मैच देख रहे हैं अभी, हमने बेड पे ही अभी हमने मूली के पराठे हमें खाला ने खिलाए, मैंने नहीं खाया, जैसे आपको मैंने बताया मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ, मूली लेट के बना, मैं सारा व्लॉग लेट के बना रहा हूँ, और बैठ के करना क्या है हमें, तब से कभी छक्के पाड़े कभी चौके पाड़े, लेट के बनाना। हाँ नाज़रीन ना मुझे ऐसी पाई, नाज़रीन मैं कभी बदलूंगा नहीं, याद रखना। ऑनलाइन पे ना एक नया शो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम तला भाई को कासिम भाई को भी इनवाइट किया करेंगे और भी लड़कों को, लेकिन रेगुलरली मैं और बिलाल शुरू करेंगे दोस्त ऑनलाइन पे, वो सीरीज शुरू होगी, शो का नाम है द लोंडोलॉजी शो लोंडे, ठीक है, तो सारे लोंडे इकट्ठे होकर लोंडोलॉजी शो, तो यू आर इनवाइटेड, जितने भी लोंडे लपाड़े हैं ना वो आप आ सकते हैं। ये मुझे लगता है वो जो इंडिया का द फेमस यूट्यूबर है ना बीबी की वाइंस, ये कोई उस तरह का कोई मिलता जुलता ना शो बनते, उससे इंस्पायर होके हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने लोंडे इकट्ठे करें, और फिर उसके अंदर हम अनकट सीन्स बनाया करेंगे, कुछ एडिटेड नहीं होगा, ओरिजिनल रखेंगे सब कुछ। जी हमें पढ़ रही है तब से छक्के चौके, कोई ना कुछ ना कुछ पढ़ रही। नाज़रीन बार बार लड़की आके कहती है हमारे घर लेज नहीं, हम मैच कैसे देखें, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है इस वक्त, हम फिर मैच ही ना देखें, सही बात, लेज के बगैर मैच ना देखें, मैच ना देखें, हम और चीजें मंगवाएंगे, हमारा इस जो शेफ है ना वो सो रहा है, उड़ता है तो फिर हम उसको कहते हैं कुछ पॉपकॉर्न बना दे, चिप्स बना दे, कोई ऐसी चीजें बना दे। ये देख जब भी मुझे देखता है ना इसको वीडियो याद आ जाता है, मैंने खोला था तो फिर अब हम कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करवाते। ये देखे नाज़रीन हमारे साथ एक छोटे से नॉन क्रिकेट फैन ऐसा, वो देखो ये कौन है, ये कौन है, ये देखे जी ऐसा बिकू आई है, क्या हाल है, ठीक हो, बकरे बकरे का क्या हाल है, बकरी बकरी थी या अभी उठी है जी थोड़ी देर पहले, रात से मौसम बहुत चेंज हो गया बारिश के बाद से, जो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा है, तो उम्मीद करते हैं कि अब मौसम चेंज हो जाए और सर्दियां आ जाए, क्योंकि मुझे सर्दियों का बहुत इंतज़ार है, और फिर मुझे आवाज़ पड़ गई है, फिर मिलते हैं। रन आउट करने की कोशिश की गई है जिसमें नाकामी हुई है, श्रीलंका के आगे ना पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ही फारक नज़र आ रहा है परफॉर्मेंस वाइज, और ये तो मुझे भी नज़र आ रहा है कि कोई अच्छा आगे रिजल्ट नहीं निकलना। ओए होए इतना टाइम लगा आउट करने में, वो बचत हो गई जी, रन आउट नहीं हुआ, बच गए। मैं अब जा रहा हूँ ऊपर टेरेस पे, मैंने ऊपर के स्टोर खाली किया है, काफ़ी गंद ख़त्म किया है, आपको दिखाता हूँ,
ये तो मुझे पता है, इधर ये आउट शाउट इन्होंने कोई नहीं करना, तो आपको मैं अपना ऊपर का स्टोर दिखा दूं। ये जी नाजरीन, मेरा ऊपर का स्टोर है जिसका भी काम अंडर प्रोग्रेस है। ये मैंने काफी जगह यहाँ से क्लियर की है, ये बाकी काफी चीजें पड़ी हुई हैं। ये मेरे कुछ सोलर पैनल्स पड़े हुए हैं, कुछ इंस्टॉल्ड हैं। खैर ये मैं किसी दिन आपको मैं अपने सोलर सिस्टम के ऊपर पूरा गाइड करूंगा, जो लोग लगवाना चाह रहे हैं, जो लोग सोलर का काम करना चाह रहे हैं या अपने घर के लिए सिस्टम चाहते हैं, तो मैं इस चीज़ में गाइड कर दूंगा कि आप कौन सी प्लेट किस कंपनी की यूज़ करें, इन्वर्टर कौन सा यूज़ करें, कम से कम आप कितने में आपको ये सिस्टम पड़ जाएगा। और अगर कोई मुझसे ये काम करवाना चाहे, मेरे थ्रू लगवाना चाहता है, तो ये सर्विस भी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि सोलर का काम मैं करता हूँ। तो किसी को अगर कोई इस सिलसिले में कोई चाहिए हो, तो वो ज़रूर मैसेज करके, कमेंट करके मुझसे रब्ता कर सकता है, ईमेल के थ्रू भी। तो अब मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर बंदे काम कर रहे हैं, सफाई करवा रहा हूँ सारी छत की। तो वापस मैच की तरफ चलते हैं और अपडेट देता हूँ आपको मैं। ये नाजरीन डायरी सी निकली है और ये बॉल पॉइंट्स हैं। अब ये मैं चेक करने लगा हूँ, जो चलते होंगे वो रख लूँगा, ये तो फेंक दूँगा। और अपडेट ये है कि एक आउट हो चुका है। नाजरीन बहुत चौके पड़ रहे हैं, हमें टका टका के पड़ रहे हैं और बहुत बुरा हाल है इसमें पाकिस्तान। नाजरीन फाइनली मैं वापस आ गया हूँ कमरे में। इस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, 37/2 है, दो बंदे फुड़क गए हैं और 8.2 ओवर हो गए हैं। ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जीतेगा, जो हालात चल रहे हैं, कहानी खत्म हो गई है। क्या टारगेट पड़ा है? 345 आसिफ की बात नहीं थी, 350-400 का होगा, 345 टारगेट होगा। मैं असल में गया हुआ था बाजार काम से, अभी इलेक्ट्रिशियन से काम करवा के आया हूँ, तो इसलिए बीच में जरा गैप आ गया। देखिए नाजरीन, ये मैंने अपने लिए सैलेड बनाया अभी खाने के साथ 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 तैयारी चल रही है खाने पीने की। ये देखिए नाजरीन, जूस भी तैयार है, मैच के साथ साथ खाने पीने का सारा बंदोबस्त किया हुआ मैंने। ये जी दाल चावल बन रहे हैं फाइनली। नाजरीन वी मीट अगेन, कोई ना कोई मसले मसाइल रहते हैं। याद आ गया आपको, आपने तो मैच पे व्लॉग बनाना था। नहीं, ये मैंने अभी खाना अपना खाना दिखाया लोगों को जो हम खा रहे थे, ये देखिए। मैच पे व्लॉग बनाना था, काम एक बाहर एक मेरा मीटर स्पार्किंग कर रहा, तो इलेक्ट्रिशियन को फोन किया, वो आके तारे तूरे कसेगा। अच्छे काम, अच्छे टाइमों पे सही चीजें लगवाई होती ना, ये कभी तुम्हारा पानी खत्म हो जाता, कभी तुम्हारी बिजली स्पार्क कर रही होती, कभी ये न्यूट्रल रहती हैं, कभी न्यूट्रल डबल, ये मसले मसाइल रहते हैं, तुम्हें क्या पता हो। नाजरीन को पता है इसके ये मसाइल, मेरे तकरीबन बहुत सारे मीटर है, तो कोई ना कोई मसला रहता है। नहीं तो आपने तो रेगुलर होना था ना यूट्यूब पे, आपके जो मसाइल है आपका तो कॉन्टेंट ही, तब क्यों नहीं बनाते? बाद में याद आता है, ओह मैं बना लेता। नहीं वो बाहर में खड़ा था, मैच फंसा हुआ, बाहर लाइट 22 ओवर्स 132 बॉल्स पे 187 रह गए और रिजवान अब्दुल्ला शफीक माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल रहे, लेकिन अभी भी मैच फंसा हुआ। अभी थोड़ा कितना कितना करना स्कोर? 132/187 अल्लाह माफ करे, बड़ा मुझे तो भाई मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे अंदाजा है अपनी टीम का। टू ही आउट है, मुझे लगा था लाइन लग जाएगी आउट्स की। ये देखिए रिजवान भाई की 50 हो गई जी, वेरी गुड। लगे हुए हैं अब्दुल्ला जी और दूसरा क्रिकेटर का नाम है अब्दुल्ला, और रिजवान की पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह, चौके छक्के मार रहे हैं। 176/2 हो गया, टारगेट क्या आ रहा है? 145 अब्दुल्ला को नजर लग गई नाजरीन, अभी तारीफ से कर रहे थे आसिम भाई।
थारा जी इतनी इम्पोर्टेंट विकेट हो गई मुझे नहीं पता था इतना लंबा मैच होगा मुझे इन चीज़ों का नहीं पता अच्छा अच्छा साइड से कैच हो टाई मार के अगले ने पकड़ा वाह जी वाह बड़ी बात है हाजरीन रिजवान भाई को कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है अब क्रैम पड़ गया उससे पहले लम्बे पड़ गए हैं रिजवान भाई लेकिन लगे में कोशिश कर रहे हैं गर्मी से बुरा हाल हो गया भाई का बहुत मुश्किल होती जा रही है पाकिस्तान के लिए और मेरे लिए भी अभी बहुत मुश्किल हो गई है खाना खाने के बाद आप समझ सकते हैं नाज़रीन इस ये बंदा मुझे क्रिकेट में फंसाता है वरना मैं मुझे कोई शौक नहीं है नाज़रीन ब्लॉग में ब्लॉग कर रहा है ये देखें नाज़रीन एक और यूट्यूबर है रिजवान भाई भाग रहा पर रिजवान भाई के लिए दुआ है अगर आप स्लो किए बगैर बाहर गए इतना ऊंचा बोल रहा है मल्ले से रिजवान आज सेंचुरी करनी है सौ किए बगैर बाहर नहीं आना मुझे नहीं पता इसका नहीं पता हाँ भाई मुझे नहीं भाई रिजवान भाई के लिए मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह से याद दे चलता रहे बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन टू प्ले फॉर पाकिस्तान एवर क्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स ये डिबेट ही नहीं है ठीक है दानियाल दानियाल इस आई गेट मार्टी भाई दानियाल क्या कहता हो गई और उसने भी छोड़ दी ओ वेरी गुड हाँ जी क्या हुआ ये जी आयजा बिकू है मेरी छोटी बेटी एक्साइटेड हो गई है रिजवान की 100 पे है ना सी है ना मानो अच्छा ही हुआ है ना हाँ जी पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इसी तरह लगे रहे ये जी डीजा बड़ी आपी आ गई है नाज़रीन ये रही कॉफी मिल गई इसका है आज का प्लान आज सिम जरा खोलेगा इसे खोल दो खोल दो जल्दी खोल के दो खोलो खोलना भी है बाद में दिल शील भेजना पहले हमें मोहम्मद रिजवान पे खोल दी है यासिम भाई ने खोल दी है यासिम भाई देखे क्या हुआ ये पिछले साल पड़ी थी उल्ली लग गई है अब आप कॉफी पी सकते हैं नाज़रीन 14 बॉल्स दो रह गए दो कितना रह गए हैं दो स्कोर दो सिर्फ दो नाज़रीन मैं चाहता हूँ रिजवान ही खत्म कर नाज़रीन 13 बॉल्स पे दो उठ के देखते हैं दो दो लाइट कब लाइट 13 बॉल्स पे दो स्कोर रह गए हैं नाज़रीन अब देखते हैं आखिरी बॉल पे चौका होता है या छक्का होता है या फिर डबल होती है या सिंगल सिंगल दो होती है नाज़रीन लास्ट बॉल है फुल टाइम चीख रहा है मैं चाहता हूं रिजवान ही फिनिश करे करेगा रिजवान ही करेगा डबल ब्लॉक्स बंद है लतीफ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं टैग कर दूंगा हां प्लीज दो 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 ये जी सिंगल हो गई सिंगल हो गई सिंगल ओह रुक गए रुक गए चाची इफ्तिखार जो है ना वो थोड़ा रुक गए अब हम खड़े हो गए अब हम बारी बारी खड़े हो गए यार ये एड नहीं आना चाहिए दिस इज वेरी बैड एड इज नॉट गुड लास्ट बॉल
उसी को आखिरी रन जो है ना डिजर्वेडली वो आखिरी रन हिट करेगा विनिंग रन और होना भी यही चाहिए था। ये देखे आसिम भाई भी खड़े हुए मैं जीत गए हरा वाह मैं बहुत डाउन था। मैं पहली दफा व्लॉग बना रहा हूँ यही एंड हो जाना था शुरू हो गया इसका मतलब फिर मैं बनाया करूँ ना ज्यादा से ज्यादा चलो भाई कर लो सिंगल ले लो जो मर्जी कर लो कुछ कर लो बस गई बॉल गई और अब्दुल्ला शफीक हैट्स ऑफ आई लव यू रिजवान बी बोल्ड वेल बहुत तनकीद होती है उस पे ही बोल्ड वेल नाज़रीन आई लव यू टू हसन अली फाइनली बाकी को मैं कुछ नहीं कहूंगा वेरी डिसअपॉइंटेड सब माफ इस वक्त सब माफ आए सर अच्छा ना अगले मैच मिलेंगे आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा डबल एंड कर रहे हैं ठीक है सेम एंड होगा।